उाल मैं पास्टर सुनील याकूब टीओजी टीवी कोऑर्डिनेटर आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है हम्बल योरसेल्फ अपने आप को फिरोतन बनाए और इसके लिए हम दो हवाला जात देखेंगे पहला पत्रस उसका पांचवा बाप और उसकी छठी आयत से बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फ्रोती से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे एक और हवाला देखेंगे मत्ती की अंजीर उसका तेईसवा बाब और उसकी बारहवीं आयत से और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा आमीन और आज की डिवाइन डायरेक्शन हम्बल योर सेल्फ अपने आप को फरोतन बनाएं और इस सरमन में हम फ्रोतनी के ताल्लुक़ से सीखेंगे कि फ्रोतनी का होना एक इंसान की ज़िंदगी में कितनी अहमियत का हामिल है और जब हम मसीहत की बात करते हैं तो एक मसीही शख्स को जो है वो फ्रोतनी में चलना जो है उसके लिए लाजम है और आप कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स फ्रोतनी में नहीं चलता या वो फ्रोतन नहीं है तो खुदावन की हजूरी में वो कायम नहीं रह सकता और यही वजह है कि क्रिश्चियनिटी में हम्बल फ्रोतन होना जो है वो एक इंसान की ज़िंदगी में एक ईमानदार की ज़िंदगी में जो है वो बहुत जरूरी है और फ्रोतनी के लिए जो ग्रीक वर्ड इस यूज हुआ है वो है टैपिनो जिसका मतलब है हम्बल जिसका मतलब है टू मेक लो ब्रिंग लो यानी इससे जो मतलब निकलता है ग्रीक वर्ड से वो है फ्रोतन आजिस करना खाकसार होना अपने आप को छोटा बनाना अपने आप को नीचे ले जाना जो है वो फ्रोतनी फ्रोतन जो है वो कहलाता है और खुदा चाहता है कि उसके लोग जो है वो फ्रोतनी में रहें उसके लोग हर रोज फ्रोतन बनकर मसीही जिंदगी को गुजारें ताकि उनकी जिंदगी से बाप का जलाल ज़ाहिर हो सके और इसके जो मुतरदिफ लफ्ज़ है वो है गरूर घुमंड और गरूर का मतलब है कि अपने आप को दूसरों से अफजल जानना घुमंड अपने आप को बड़ा बनाना अपने आप को दूसरों पर ज़्यादा फोकियत देना अपने आप को दूसरों पर जो है वो बढ़ोतरी देना बड़ा बनाना और दूसरों को अपने आप से कम तर जानना जो है वो घुमंड है और पत्रस का जब हमने हवाला पढ़ा तो पत्रस अपने खत में जो है वो कलिसियाओं को ईमानदारों को और इस दुनिया के लोगों को वो हदायत देता है के खुदा के कवि बाजू के नीचे फ्रोतनी से चले तो तब जो है वो सर बुलंद होंगे यानी उसके कहने का मतलब है कि सर बुलंदी खुदा उनकी हजूरी में तब आती है जब एक इंसान एक ईमानदार एक मसीही जो है वो फ्रोतनी के साथ जिंदगी बसर करता है और हम दुनिया पर जब नजर करते हैं तो दुनिया में जो सरबुलंदी है दुनिया के लोग जो कहते हैं कि आला तालीम से आला डिग्री से ज़्यादा मेहनत करने से जो है वो सरबुलंदी आती है और उनकी उनकी नज़र में जो सरबुलंदी है जो एक बाल मंदी है वो क्या है आला तालीम हासिल कर लेना उनके लिए सरबुलंदी है अच्छी जॉब हासिल कर लेना उनके लिए सरबुलंदी है दौलत को हासिल करना सर बुलंदी है पावर को हासिल करना सर बुलंदी है बहुत बड़ा बिजनेस स्टैंड कर लेना जो है वो बहुत बड़ी उनके लिए सर बुलंदी है लेकिन जिस सर बुलंदी की पत्रस बात कर रहा है वो सर बुलंदी ना सिर्फ इस दुनिया की है बल्कि खुदावन की हजूरी में सर बुलंदी की बात जो है वो पत्ररस कर रहा है और वो कहता है कि जो सरबुलंदी है इकबाल मंदी है जो सक्सेस है वो फ्रोतनी से खुदा उनकी हजूरी में आती है और पदरस अपने इसी बाप में इसी चैप्टर में वो पांचवी आयत में कहता है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और फ्रोतों को तफ्क बख्शता है यानी कि जो कोई अपने आप में घुमंडी है जो कोई अपने दिल में तकबु रखता है खुदावन हर उस शख्स का जो है वो मुकाबला करता है और इसके बरक्स जो फ्रोक्तन है जो जिन्होंने अपने आप को छोटा बना दिया है जिन्होंने अपने आप को आजिज कर लिया है खुदा की हजूरी में पत्रस कहता है कि वो उनको तोफीक बख्शता है और तोफीक का मतलब है फजल यानी जो फरोतन है जो आजिज है खुदा उनको अपने फजल से नवाजता है उन पर वो हर रोज जो है वो फजल करता है और पालूस रसूल इब्रानियों के खत में कहता है कि बस आओ हम अपने फजल के तख्त के पास दिलेरी से जाएं ताकि वो हम पर रहम करे और हम पर फजल करे ताकि उसका फजल जरूरत के वक्त हमारी मदद कर सके यानी फजल के तख्त के पास आने के लिए फ्रोतन होना जो है वह लाजिम है अगर कोई घुमंडी शख्स होगा अगर कोई तकबर में रहने वाला शख्स होगा बुलंद नजर होगा वो खुदा के फजल के तख्त के पास नहीं आ सकता और ना ही उसको दलेरी हो सकती है अगर वो शख्स आने की कोशिश करेगा खुदा उसको रिजेक्ट करेगा लेकिन अगर कोई फ्रोतनी के साथ आगजी के साथ उस तख्त के पास फजल के तख्त के पास आएगा तो मन जरूर उस पर फजल करेगा जो भी सिचुएशन हो जो भी हालात हो खुदांद उस पर फजल करता रहेगा और उसको उसकी मुसीबतों से निकालेगा उसको बरकत देगा और उसको सरबुलंद करेगा क्योंकि वो फ्रोतनी के साथ उसकी हजूरी में अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है और यकूब भी अपने खत में यही कहता है जब हम यकूब का खत पढ़ते हैं तो यकूब भी सेम वर्ड्स वही अल्फाज जो पत्रस ने कहे कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है पर फ्रोतनों को तोफीक बख्शता है और यही अल्फाज जो है वो यकूब भी दोहराता है कि कोई मगरूर हु की हजूरी में नहीं खड़ा रह सकता हर एक घुमंडी का हर एक जो बुलंद नजर है हर एक जो ऊंची आंख रखता है जो अपने आप में अपने आप को बड़ा बनाता है खुदा उन हर एक उस शख्स का मुकाबला करता है और याद रखें जिस शख्स के मुकाबले में खुदा खड़ा हो गया या खुदा खड़ा होता है वो शख्स जो है वो कायम नहीं रह सकता खुदाउंद उसको इस दुनिया में से इस जमीन पर से वो हलाक कर देता है और मगरूर इसी तरह आज भी जो है वो हलाक होते चले जा रहे हैं बाइबल मुकदस में हम देखते हैं। जिस जिस शख्स की जिंदगी में तकबुर घमंड आया वो शख्स खुदावन की हजूरी में से निकाला गया और हलाक किया गया उसको पस्त कर दिया गया और यकूब कहता है कि खुदावन के हां खुदावन के साथ फ्रोतनी से आओ उसके पास फ्रोतनी से आओ ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंदी अता करे और यकूब भी यही बात कहता है कि जो सर बुलंदी है वो फ्रोतनी में चलने से है यानी पत्रो और यकूब जो खुदाउ यीशु मसीह के शगीर थे उसके रसूल थे वो इन बातों को जानते थे कि सर बुलंदी जो है वो ऐसे ही नहीं मिल जाती चाहे दौलतमंद इस दुनिया के कहें कि हम बड़े सरबुलंद हैं हमें बड़ी तरक्की मिल गई है लेकिन खुदाऊंद की हजूरी में उनकी कोई औकात नहीं है उनकी कोई वैल्यू नहीं है वो खुदाउंद की हजूरी में ना मकबूल है लेकिन जो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है जो उसके डिसाइपल उसके शगिर्द कहलाते हैं और कहते हैं कि हम उसके शगिर्द हैं वो फ्रोक्तन होंगे वो फरोतनी में जिंदगी बसर करेंगे और अपने आप को आज़ी में लेकर आएंगे अपने आप को वो छोटा बनाएंगे और खुदा उनकी हजूरी में चलेंगे और वो लोग ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि खुदा की हजूरी में उसके यहां मकबूल होंगे और वो सर सरबुलंद होंगे सरफ्राजी इकबाल मंदी उनके कदम चुमेगी और खुदा मुद यसु मसीह ने कहा कि मुबारिक वो है जो दिल के गरीब है क्योंकि आसमान की बादशाही उन ही की है यानी मुबारक वो है जो दिल के गरीब यानी जो हम्बल है जो आजिज है जिन्होंने अपने आप को छोटा बनाया है जिन्होंने अपने आप को पस्त किया है वो लोग खुदा की आसमान की बादशाही के वारिस होंगे कोई घुमंडी शख्स नहीं हो सकता और मसीह ने उस उन लोगों को कहा है। उनको मुबारकबादी दी है उनको मुबारक कहा है कि वो लोग जो दिल के गरीब हैं वो लोग जो दिल के फरोतन हैं आजिज हैं इनकी सारी उनके अंदर पाई जाती है अपने आप को छोटा बनाते हैं वो लोग खुदा की आसमान की बादशाही के वारिस होंगे वो उन्हीं के लिए है यानी खुदा की बादशाही फ्रोतनों के लिए हलीमों के लिए और किसी शख्स के लिए नहीं है जिसकी जिंदगी में घुमंड है जो अपने आप को बड़ा बनाता है जिसके अंदर जो है वो बड़ापन की आदत पाई जाती है जो अपने आप को बड़ा समझता है जो अपने आप को दूसरों पर फोकियत देता है और अपने आप को जो है वो अफजल जानता है और दूसरे को हकीर और जब हम खुदा यीशु मसीह के तालुक से देखते हैं तो मत्ती के अंजील का जो हमने हवाला पढ़ा उसमें खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा यह बात खुदामयसुम ने अपने शगिदों से कही और फकी फरीसियों के ताल्लुक से भी उनको भी यह मैसेज सुनाया जो अपने आप को बड़ा बनाते थे जो जियाफतों में सदर नशीनी और इबादत खानों में बड़ी बड़ी कुर्सियों के मुंतजर होते थे और बाजारों में वो चाहते थे कि उनको सलाम किया जाए और उनको रब्बी कहकर पुकारा जाए यानी वो अपने आप को बड़ा बनाते थे वो ऊंची ऊंची कुर्सियों पर सदर नशीनियों हाई प्लेसेस किस जुस्तजू में रहते थे और वो कहते थे कि हम हमारे लिए सदर नशीनी होनी चाहिए हाई प्लेसेस होनी चाहिए क्योंकि हम बड़े वो अपनी रासबाजी को जताते थे और वो शो करते थे फकी फरीसी कि उनकी तरह का रासबाज उनकी तरह का पाक उनकी सोसाइटी में उनके माशरे में या आप कह सकते हैं इस दुनिया में कोई है ही नहीं वो रोजे रखते दिखावे के लिए वो दुआएं करते दिखावे के लिए वो चौंकों पर खड़े हो जाते दुआएं करते रोजे रखते अपने ऊपर खाक डालते और वो गलियों कोचों में से गुजरते चले जाते अपने ऊपर टाट ओढ़ देते और लोगों को बाजारों में खड़े लोगों को उन पर यह जाहिर करते थे कि ये बड़ा रोजेदार है ये बड़ा दुआ करने वाला है ये मर्द दुआ है ये बड़ा रासबाज और पाक है अपने आप को बड़ा बनाते थे और खुदा युसुसी ने उनको कंडेम किया और अपने शगिर्दों को समझाया कि तुम में अगर कोई बड़ा बना बनाएगा अपने आप को तो वह छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा और खुदा मीसूल मसी ने अपने शगिर्दों को कहा अगर तुम में कोई बड़ा बनना चाहता है तो वह खादम बने यानी छोटा बने खिदमत करे अपने जूनियर की खिदमत करे अपने से छोटों की खिदमत करे तो वो बड़ा किया जाएगा और मुख्तलि जगह पर हम अनाजीन में देखते हैं कि खुदा युसु मसीह के शागिदों के अंदर भी ये तकरार पाई जाती थी ये बहस छिड़ी हुई थी और खुदा युसु मसीह को पता चल गया कि इनके अंदर अपने आप को बड़ा बनाने की जो है वो आरज़ू है ये अपने आप को एक दूसरे पर जो है वो बड़ा बनाना चाहते हैं तो खुदाम यस्सु मसी ने उनको यही कहा कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा अगर तुम में कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो खादम बने यानी छोटा बने यानी खिदमत करे और वो फिर जो है वो शख्स जो है वो खुदा की हजूरी में बड़ा किया जाएगा यानी छोटे का मतलब है फ्रोतन बने अपने आप को हम्बल करे आजिच आए अपने आप को बड़ा बनाने की आर्जू ना रखे अपने दिल में यह ना कहे कि मैं इस भाई से बड़ा हूं मैं इस भाई से ज्यादा खिदमत करता हूं मैं ज्यादा रासवास मैं ज्यादा दुआ करता हूं मैं ज्यादा रोजे रखता हूं बल्कि इसके मुतरादि को चाहिए कि वो आज के साथ खुदाउंद की हजूरी में चले और उनकी खिदमत करे और उन अपने आप को उनसे छोटा बनाए अपने आप को फ्रोक्ति में लेकर आए तो खुदावंद की हजूरी में उनको सरबुलंदी मिलेगी यानी उनको बड़ा बनाया जाएगा और खुदामंद उनको बरकत देगा और अपनी बादशाही में उनको खड़ा करेगा जो अपने आप को छोटा बनाएंगे और सुमसी जो हमारा रोल मॉडल है जब उसने शगिदों से यह बात कही तो उसने सिर्फ लफ्जी तौर पर यह नहीं कहा कि अपने आप को छोटा बनाओ बल्कि वो खुद भी उसने अपने आप को पस्त किया यानी हम्बल किया आजिज अपने आप को उसने कर लिया और उसने अपने शगिदों के पांव को धोकर यह साबित कर दिया कि वो जो बड़ा था जो उस्ताद था उसने अपने आप को पस कर लिया है और अपने शगिदों से वो खिदमत नहीं बल्कि उन उनकी खिदमत करने के लिए आया और खुदाउदी सुसी ने यह कहा कि मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूं खिदमत इसलिए उसने की क्योंकि उसकी जात के अंदर जो थी वो फ्रोतनी थी वो आजी थी वो पस्सी में आ गया उसने आजिज कर लिया और अपने शागिदों को और आज कलिसियाओं को मुझे और आपको खुदाउंद यसु मसीह भी यही तालीम दे रहा है पत्रस ये तालीम दे रहा है यकूब यह तालीम दे रहा है या खुदाउंद के हाथ के नीचे आजी के साथ हमें फ्रोतनी के साथ चलना है अगर चलेंगे तो फिर सर बुलंद होंगे इस दुनिया में हमें सर बुलंदी मिले या ना मिले कोई परवाह नहीं लेकिन खुदा उनकी हजूरी में जरूर ही सर बुलंद होंगे और उसकी हजूरी में सर, सर बुलंद होना हमारे लिए लाजमी है सर बुलंद होंगे फ्रोतनी में चलेंगे तो उसकी बादशाही में हमेशा के लिए कायम कर दिए जाएंगे और जब फिलिपियों के खत को हम पढ़ते हैं तो उसमें पलू रसूल खुदाउ यसु मसीह की आगजी को खुदाउंद यस्सु मसीह की फ्रोतनी का बयान करता है और वो कहता है कि वो जो खुदा की सूरत पर था खुदा के बराबर होने को में रखने की चीज ना समझा अपने आप को खाली कर दी खादम की सूरत उसने इख्तियार इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर उसने अपने आप को पस कर लिया यहां तक वो फरमा बर्दार रहा कि सलीबी मौत गवारा की, और खुदा ने भी उसको सरबलंद किया नहाय सरबुलंदी खुदावन ने उसको दी और उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है ताकि यीशु मसीह के आगे हर एक घुटना झुके वह आसमानियों का जमीनियों का या जमीन के नीचे रहने वालों का ताकि हर एक जुबान ये इकरार करे कि यस्सु ही खुदाउंद यानी जब बेटे ने अपने आप को पस् कर दिया वो जो खुदा के बराबर था वो जो खुदा था खुदा का बेटा था उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि मैं इंसान बनूंगा खुदा का यस्सू का इंसान बनना ही उसकी फ्रोतनी है उसकी हलीमी है और उसकी खाकसारी है इंकसारी है यानी वो जो आसमानी था उसने खाकी शक्ल इंसानी शक्ल इख्तियार की खादम बना खिदमत की और अपनी बादशाही को छोड़ दिया उसने उस तक से उतर आया और जमीन पर आ गया और यहां तक वो पस्त हो गया कि उसने सलीबी मौत गवारा की वो फ्रोक्ती से बाप की हजूरी में चला उसने कहा कि मैं और बाप एक है और मैं वो ही करता और कहता हूं जो मेरा बाप मुझसे कहता है इसलिए बाप ने भी इस बात का इकरार किया कि यह मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश उसको सरबुलंद किया और आला नाम जो सब नामों से आला है वो बख्शा ताकि हर एक जुबान खुदा के जलाल को जाहिर करे हर एक जुबान खुदा के इकरार करे कि यस्सु ही खुदाऊद है यानी यस्सु ही यह है यानी खुदाऊद मसीह। उसकी फ्रोतनी की वजह से बाप ने अपने नाम का टाइटल जो उसका नाम था यहौवा वो अपने बेटे को भी अता किया कि वो भी यह कहलाए ताकि हर एक घुटना आसमानियों का जमीनियों का जमीन के नीचे रहने वालों का उसके सामने झुके और हम आज की दुनिया पर जब नजर करते हैं तो हर एक शख्स इस दौड़ में लगा हुआ है कि वो अपने आप को बड़ा बनाए और इस दौड़ में बाज ईमानदार भी जो हैं, वो है वो फंसे हुए हैं दौड़ रहे हैं और ये दौड़ जो है ये उनको हलाकत के मुंह में लेकर जाएगी यह दौड़ क्या है यह दौड़ अपने आप को बड़ा बनाने की है यह दौड़ दुनिया इसमें लगी हुई है और एक दुनिया का शख्स अपने आप को बड़ा बनाता है अगर वो आला तलीम हासिल कर ले वो अपने आप को बड़ा बनाएगा उसके पास दौलत आज है वो अपने आप को बड़ा बनाएगा अगर उसके पास कोई इख्तियार आ जाए उसे कोई गवर्नमेंट में इख्तियार मिल जाए कोई मिनिस्ट्री मिल जाए तो वो अपने आप को गोया खुदा बना लेता है और दूसरों को वो छोटा समझता है और बाज लोग अपने खानदानों को ऊंचा करते हैं बड़ा बनाते हैं कि मैं इस जात से ताल्लुक रखता हूं मेरा ये घराना है मेरे घराने में बड़े वेल एजुकेटेड हैं डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स और दूसरों को जो है वो नीचा जानते कि तेरे खानदान में क्या तू है क्या तेरी हैसियत क्या तेरी शख्सियत क्या और अपने खानदान को वो ऊंचा करते और बाज अपने बच्चों पर फख्र करते अपने बच्चों की खूबियां बताते हैं और कहते हैं ये खूबियां ये किसी में है ही नहीं और अपने बच्चों को वो बड़ा बनाते हैं दूसरों के बच्चों पर वो फोकियत देते हैं और दूसरों की के बच्चों को वो कुछ भी नहीं समझते और फकर करते हैं याद रखें फकर सिर्फ खुदा की जात पर किया जाता है फकर सिर्फ यस्ु मसीह पर किया जाता है उसकी मसलूबियत पर किया जाता है फकर हमें खुदा बेटे पाकरू पर करना है और पलूस रसूल कहता है कि मैं मसीह के अलावा किसी चीज पर कोई फकर नहीं करूंगा और दुनियादार और बाज ईमानदार इस जो गुनाह में फंसे हुए हैं वो ईमानदार भी कहलाते हैं और घुमंड कब्बू अपने आप को बड़ा बनाना उनकी जात के अंदर पाया जाता है और वो जो अपने बच्चों को बड़ा बनाते हैं या अपने बच्चों की दूसरों के सामने तारीफें है करते हैं तारीफें है करना अच्छी बात है लेकिन आज़ी से फ्रोती से घुमंड के साथ नहीं तकबर के साथ नहीं और जब एक, एक शख्स घुमंड के साथ अपने बच्चों अपने खानदान अपनी तारीफ करेगा घुमंड के साथ और तो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो गोया वो अपनी खानदान में अपने बच्चों में जो है वो गरूर तकबर नफरत का बीज जो है वो बो रहा है और उसकी नस्ल उसकी औलाद उसका खानदान जब वो उसकी जगह पर आएगा जब उसके बच्चे बड़े होंगे तो वो भी उसकी ही नेचर में होंगे और ये नेचर जो है घुमंड तकबर ये खुदा की नेचर नहीं है घुमंड अब्लीस की नेचर है गरूर तकबुर ये अबलीस की जात के अंदर पाया जाता है और याद रखें जो कोई घुमंड करता है जो कोई तकबर करता है जिसके अंदर कोई आजी नहीं है वो खुदावंद की जात के ऊपर एतमाद नहीं करता ट्रस्ट नहीं करता प्राउड रेफ्यूज ट्रस्ट इन गॉड यानी कि तकबुर जो है वो खुदा की जात के ऊपर एतमाद नहीं करता एक तकबर करने वाला वो खुदा की जात पर नहीं बल्कि अपनी जात पर वो एतमाद करता है और कहता है कि मैंने ये किया मैंने फलां किया मैंने फलां किया मैंने मेरी ताकत ने मेरे जोरे बाजू ने ये सब कुछ किया है ये पावर हासिल की है मेरे जोरे बाजू ने अच्छा घर बनाया है मैंने अकेले ने और वो खुदा की जात पर ट्रस्ट ना करके अपनी खुदी में रहकर वो खुदा का गुनहगार अपने आप को बनाता है और खुदा को अपने मुकाबले में वो खड़ा करता है क्योंकि खुदा जो है वो मगरूरों का मुकाबला करता है और उनको हलाक करता है और सुलेमान कहता है कि अपनी दानिस्त में अपनी निगाह में दानिशमंद ना बन खुदा से डर और इस बदी से किनारा यानी घुमंड जो बदी है जो गुना है इससे हमें दूर भागना है खुदा से डरना है अगर खुदा की जात के अंदर जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो फ्रोतन आपको बनना होगा खुदा से डरना होगा और इस बदी से हमेशा अपनी जात को अलग करना होगा यह नेचर डेवल की है घुमंड का गुना इस कायनात में सबसे पहले अबलीस के अंदर आया बाइबल मुकदस के मुताबिक अबलीस के अंदर घुमंड समा गया और वो खुदा का बाइबल मुकदस में हिस्ट्रियल की किताब में और ये साया की किताब में हमें मिलता है हिस्ट्रियल 28 बाप और ये साया जो है वो चौदवे बाप में हमें अबलीस के तालुक से मिलता है और उसको सुब का रोशन सितारा ये साया में कहा गया है और उसका नाम लूसीफर था और उसको कहा गया है कि अब के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा ए कोमों को पस करने वाले तू क्यों जमीन पर पटका गया तू तो कहता था कि मैं खुदा के स्तारों से भी ऊंचा अपना तख्त लगाऊंगा तू तो कहता था कि मैं खुदा के बादलों से भी ऊंचा तख्त लगाऊंगा मैं अपने आप को हक ताला की मानित बनाऊंगा तो ये अबलीस की नेचर में घुमंड आया और जब हम हिस्किल की किताब को पढ़ते हैं तो मैंने तुझे खुदा के पहाड़ से गंदगी की तरह फेंक डाला ए साया अफगन करूबी तू से पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया गया और तेरे दिल में तेरे हुसन का घुमंड समाया और तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी यानी अब प्लीस के अंदर घुमंड आया कि वो कामिल है और यहां तक घुमंड था कि वो अपने आप को खुदा से भी ऊपर उसने अपने आप को समझना शुरू कर दिया और खुदा के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और खुदा से भी ऊंचा अपना तख्त वो लगाना चाहता था और वो कहता था कि मैं हक ताला की मानित बनूंगा वो अपने आप को खुदा से भी ऊंचा वो समझना शुरू हो गया घमंड उसकी नेचर में आया और उस घमंड की वजह से उसने अपनी हिकमत खो दी उसने अपना अहदा खो दी वो ममसूख करूबी साया अफगन था खुदा ने उसको अपने पहाड़ से यानी आल में बाला से उसको गंदगी की तरह इस जमीन पर पटक दिया उसको पस् कर दिया उसको निकाल दिया क्योंकि कोई घमंडी शख्स खुदा की बातचाही आसमान की बात चाहिए खुदा के सामने नहीं खड़ा हो सकता वो लूसीफर जो खुदा के सामने आची पत्थरों में चलता फिरता था खुदा की हम उसकी स्थाइश करता था घुमंड ने उसको जो था वो मरवा दिया घुमंड जब आया तो खुदा ने उसको गंदगी की तरह फेंका और आची पत्थरों के अंदर से उसको हमेशा के लिए फना कर दिया यानी जो कोई घुमंड आएगा जिसकी जिंदगी में जो कोई घुमंड के गुनाह में अपने आप को लेकर आएगा जिसकी जिंदगी में तकबर गरूर ऊंची आंख आएगी जिसका दिल में घुमंड समाएगा वो अबलीस की तरह उस सुख के रोशन सितारे की तरह लूसीफर की तरह जो पहले फरिश्ता था फिर अबलीस बना उसकी तरह वो खुदावंत की हजूरी से गंदगी की तरह फेंका जाएगा निकाल दिया जाएगा खारिज कर दिया जाएगा इसलिए खुदाउन की हजूरी में फ्रोतनी होनी चाहिए हम्बलनेस होनी चाहिए हम्बलनेस होंगे तो खुदावन जो है वो हमें अपनी बादशाही का वारस बनाएगा अगर हम्बल नहीं होंगे तो इस दुनिया में ही वो कार्ड डालेगा अपनी हजूरी में से और जब तख्ती अदालत होगी वो अदालत करेगा तो उसको गंदगी की तरह जहन्नुम की आग में फेंकेगा जहां पर वो हमेशा अपने उस घुमंड के गुनाह में जहन्नुम की आग में तड़पता रहेगा और सलेमान कहता है कि गरूर आदमी को पस्त करता है लेकिन जो दिल से फ्रोतन है वो इज्जत पाएगा यानी जिस शख्स की जिंदगी में घुमंड आएगा जिस शख्स की जिंदगी में बड़ापन आएगा तकबूर आएगा उसकी पस्ती के दिन याद रखें, उसी दिन से शुरू हो जाएंगे जिस दिन उसने अपने आप को घुमंड की हालत में लेकर आया या जिस दिन उसकी जिंदगी में घुमंड आया या जिस दिन उसने घुमंड को रूर को तकबर को अपनी जिंदगी में आने दिया उस दिन से ही वो उसके पस्ती स्टार्ट हो गई उसकी तबाही स्टार्ट हो गई उसकी बर्बादी स्टार्ट होगी जैसे खुदा ने अबलीस को अपने मंसूख रूबी को फेंक दिया उसी तरह वो उस शख्स को भी फेंकेगा जिसकी जिंदगी में घुमंड आए तो ये घुमंड अबलीस जिंदगियों में लेकर आता है ताकि जिस तरह वो फेंका गया उसी तरह आप भी फेंके जाए और इस अबलीस के चाल को समझें कि वो अपने साथ आपको भी जहन्नुम की आज में लेकर जाना चाहता है वो नहीं चाहता कि आप खुदा उनकी हजूरी में सर्बुलंद हो अगर सर्बुलंद होंगे तो हमेशा उसके साथ आप बात बातचा और इस की किताब में खुदा इसराइल कौम को जो है वो खबरदार करता है और कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ और मेरे आयन पर अमल करना छोड़ दो ऐसा ना हो कि जब तुम खाकर शेर हो जाओ और अपने लिए खुशनुमा घर बनाकर उसमें रहने लगो जब तुम्हारे गाय बैल भेड़ बकरियां भर जाए जब सोना चांदी तुम्हारे पास कसरत से हो जाए और तुम्हारे दिल में गरूर समाए तुम्हारे दिल में घुमंड समाए तुम्हारे दिल में तकब्बर समाए और तुम खुदा को भूल जाओ और अपने दिल में यह कहने लगो कि यह मेरी ताकत और मेरे हाथ के जोर से यह दौलत मुझे नसीब हुई है और खुदांद ने कहा कि तू मुझे ना भूलना बल्कि तू याद रखना कि यह दौलत तुझे मैंने फ्राहम की है यह तेरे जोरे बाजू की वजह से नहीं यह तेरी ताकत की वजह से नहीं यह तेरी मेहनत की वजह से नहीं और तू इस घुमंड को अपने अंदर आने ना देना बल्कि तू शुक्रगुजारी करना याद करना कि ये दौलत ये ताकत ये भेड़ बकरियां ये सोना चांदी ये खुशनुमा घर ये अच्छी खुराक तुझे खुदा ने दी है और उसकी शुक्रगुजारी करना अगर तू ऐसा नहीं करेगा अगर तू अपने घुमंड में ही रहेगा तो लिखा है कि मैं तुझे हलाक करूंगा मैं तुझे पस करूंगा और मैं तुझे हलाक करूंगा और अपनी कौम में से तुझे आउट कर दूंगा निकाल डालूंगा तो इसलिए कोई यह ना कहने पाए कि मैंने बड़ी मेहनत की है यह खुराक मेरी मेहनत से मैं हासिल की है यह सोना चांदी ये दौलत ये घर बार ये मेरे जोरे बाजू वजह से जो है मैंने ये बनाए हैं मैंने कमाए हैं मैंने हासिल किए हैं यह घुमंडी शख्स कहेगा यह वो शख्स कहेगा जिसको खुदा पर नहीं जिसकी निगाहें खुदा पर नहीं बल्कि अपनी कुवत पर वो शख्स अपने ऊपर एतम करता है वो अपनी खुदी में रहता है वो सेल्फिश है वो घुमंडी है वो गरूर में रहने वाला है वही ये वही शख्स ये बातें कहेगा और खुदा भी उसको फिर हलाक करेगा क्योंकि खुदा जो है वो मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन जो फ्रोतनी के साथ उसकी हजूरी में जिंदगी बसर करते हैं उन पर वो फजल पर फजल जो है वो करता चला जाता है इसलिए कभी ये ना कहें कि ये मेरी ताकत से जोरेबाजू से ये चीजें जो हैं मैंने हासिल की है इसके बरक्स ये कहें कि खुदाउन तेरा शुक्र हो ये तूने ही किया है खुदाउन तेरा शुक्र हो तूने मुझे तो फीक बख्शी तूने मुझे पर फजल किया और इस फजल की बदौलत ये चीजें जो हैं मुझे मिली हैं मैं तेरी शुक्रगुजारी करता और जब मैं दाऊद की जिंदगी पर निगाह करता तो दाऊद की जिंदगी नहायत फ्रोक्ति पाई जाती है उस जिंदगी में दाऊद की नहायत आजिश शख्स था नहायत फ्रोक्तन था अपने आप को छोटा करने वाला बड़ा उसने नहीं बनाया चरवाहे से खुदा ने इसीलिए उसको सरबुलंदी अता की उसकी फरोक्ति की वजह से उसकी शुक्रगुजारी की वजह से उसकी प्रस्तिश की वजह से जब वो भेड़ बकरियां ही चुराता था खुदा ने उसी वक्त उसको अपने लिए चुन लिया था बादशाह होने के लिए इसराइल का और खूबसूरत उसकी जिंदगी थी और जब हम जबूर पढ़ते हैं तो जबूरों में वो इस बात को हाईलाइट करता है और ये बात उसकी फ्रोतनी को जाहिर करती है ये बात उसकी हलीमी को जाहिर करती है कि वो शख्स कितना आजिज था जिसको खुदा ने बादशाह बनाया हर तरह की उसको बरकत दी हर तरह से उसको नवाजा वो कहता है कि खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करूं क्योंकि ये तूने ही तो किया है यानी ये जो बरकत मेरे पास है जो बादशाही तूने मुझे अता की है जो दौलत माल भेड़ बकरियां जो तूने मुझे दी है सोना चांदी जो मेरे पास है ये मेरी ताकत से नहीं ये मेरी कुवत से नहीं बल्कि ये तूने ही तो किया है यानी ये सब कुछ तेरे फसल से और ये वो शख्स है जिसके अंदर नहीं पाई जाए और अजीजो बिलीवर्स और आप जो इस शरमन को देख रहे हैं सुन रहे हैं अपनी जिंदगी में आपसी लेकर आए अगर आप चाहते हैं कि खुदा दाऊद की तरह आपको सरबुलंदी अदा करे अगर तकबुर में रहेंगे गरूर में रहेंगे तो फिर आप पस्त किए जाएंगे लेकिन जो दिल के फ्रोतन है वो खुदा उनकी हजूरी में सरबुलंदी को हासिल करेंगे और जब हम नबुकत नजर के ताल्लुक से हम देखते हैं दानियल की किताब में उसके चौथे बाप खुदा ने उसको सरफराजी अता बाबुल की उसको बादशाही अता की और उसके ताल्लुक से लिखा है दानियल की किताब में एक दिन वो अपने महल में टहल रहा था और वो अपने आप से बातें कर रहा था और जब उसने बाबुल की बादशाही पर गौर किया बादशाही के जलाल पर शान शौकत पर उसने नजर की तो उसने अपने आप से कहा क्या ये बाबुल अजीम नहीं है जिसको मैंने अपने हाथ की कुदरत से तामीर किया कि ये मेरा दारुल सल्तनत और मेरे जाहुल जलाल का नमूना यानी घुमंड उसकी अंदर आया उसने कहा ये सब कुछ मेरे बाजू की कुदरत ने मेरे बाजू की तवानाई ने ये बाबुल की सल्तनत खड़ी की है ये मेरे जाहुल जलाल का नमूना है यह ये ये जाहिर करता है कि बाबुल की सल्तनत को नबुकत नजर बादशाह ने बनाया है तमीर किया है यह घमंड उसके अंदर आए उसी वक्त आसमान से आवाज आई कि तेरी बादशाही जाती रही उसके घमंड की वजह से खुदा ने उसी वक्त उसको पस्त किया खुदा ने उसी वक्त उसको पटका उसकी बादशाही के तख्त के ऊपर से उसको नीचे पटका उसको गंदगी की तरह फेंका और आसमान से यह आवाज आई कि तेरी बादशाई चाहती रही और तू आदमियों में से हांग कर निकाल दिया क्या, और तू इस जमीन के हैवानों के साथ रहेगा जब तक सात दौर गुजर ना जाए तो तुझे मालूम होगा हक हाँ ताला आदमियों की हकूमत में सल्तनत करता है और ये पीरियड नबूक नजर पर गुजरा वो बैलों की तरह जानवरों के साथ घास खाया करता था वो जंगल में चला गया जंगली जानवरों की तरह उसने जिंदगी बसर की और जब वो सात दौर उस पर पूरे हो गए तो खुदा ने उसको फिर बहाल किया और वो कहता है नबूकत नजर कि जब वो पीरियड पूरा हो गया तो मेरी अकल मुझ में आई मैंने आसमान की तरफ देखा और मैंने हैयुल कयूम की हमदो सना की तेरी हमदो सना हो क्योंकि तेरी ही सल्तनत जो है वो अब भी सल्तनत है तेरी ही सल्तनत पुश्तर पुष्ट पुछत रहती है और उसने कहा कि खुदा जिसको चाहता है उसको वो देता है और कोई शख्स कोई ताकत उसके हाथ को रोक नहीं सकती और फिर खुदा ने जब वो आजिज हो गया जब खुदा ने उस पीरियड के दौरान उसको पस्त किया उसको समझ आई कि ये बाबुल की शान शोकत जाह जलाल ये मेरी वजह से नहीं था बल्कि ये मुझे मोस्ट हाई हयुल कयूम हक ताला की तरफ से मुझे दिया गया था यानी वो जो अपने आप को मोस्ट हाई समझ रहा था इस दुनिया के इस दुनिया की सुपर पावर समझ रहा था मोस्ट हाई खुदा ने उसको बता दिया कि तू मोस्ट हाई नहीं है मोस्ट हाई मैं हूं और उसने कहा हक ताला हयल क्यूम उसने करार किया कि वो ही जो है वो बादशाह है उसी की सल्तनत अबी सल्तनत है उसी ने मुझे सल्तनत दी थी और उसकी आजी में जब वो आया फ्रोतनी में आया तो खुदा ने फिर उसकी मुमलिकत उसकी बादशाही उसको फिर से लौटा दी और फिर वो कहता है कि अब से मैं नबुकत नजर आसमान के बादशाह की हमद करता हूं उसकी तकरीमों ताज़ीम करता हूं वो अपनी सब राहों में रासबाज और उसकी सब राहें आदिल हैं वो गरूर में चलने वालों को जलील कर सकता है वो इसलिए ये बात कहता है क्योंकि खुदा ने उसको जलील किया क्योंकि वो घमंड में था वो तकबर में था वो गरूर में था वो चला और खुदा ने उसको पटका और उसको आजी में लेकर आया और इंग्लिश वर्यन में इसका मतलब ये है कि अगर किसी शख्स की जिंदगी में घमंड आएगा गरूर में चलेगा तो खुदावंद के अंदर ये ताकत है खुदावंद के अंदर ये कुदरत है कि खुदाउंद उसको पस्त करे उसको हम्बल करे और उसको फ्रोतन करे जिस तरह उसने नबुकत नजर को जिसके अंदर तकबर गरूर आया उसको उसकी बादशाह से निकाल दिया और फिर उसको पर मुसीबतें लेकर आया उस पर वो तकलीफें लेकर आया वो बैलों के साथ खाया करता था उसकी सारी शान शौकत चली गई और उस पीरियड के अंदर खुदा ने उसको समझ दी कि मैं ये मैं नहीं हूं जिसने ये शान शौकत बाबल ल... कि अजीम सल्तनत को कायम किया है बल्कि यह हक ताला हयुल क्यूम है जो आसमान का बादशाह है जो अब बादशाह है जिसने मुझे खड़ा किया है इसलिए अजीजो हमें हर एक बात में फ्रोतनी का मुजाहरा करना है अगर आपके पास ज्यादा कुवत है अगर आपके पास पावर है अगर आपके पास वेल्थ है अगर आपके पास पी एच डी डिग्री है तो आपको फखर करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये खुदा ने आपको तोफीक दी है ये खुदा ने आपको कुवत दी है आपको फजल किया है इसलिए ये चीजें आपके पास हैं अगर खुदा आप पर फजल ना करता अगर खुदा आपको ताकत ही ना देता तो कैसे आप ये कर सकते हैं और आज हम दुनिया के लोगों को देखते हैं दुनिया के बिजनेसमैन को जो घुमंड में अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं। और ये जो वबा आई है कोविड नाइनटीन पैंडमिक वबा जो इस दुनिया में फैली हुई है और अपने अरूज पर जो है वो काम कर रही है वो इस दुनिया के घुमंडी तो कब्बर में चलने वाले लोगों को वो पस्त करने के लिए खुदा ने भेजी दुनिया के जो अपने आप को टाइकून कहते थे कि हम बड़े पावरफुल हैं हम बड़े वेल्थी हैं हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है खुदा ने उनको सजा दी जो अपनी ताकत पर अपनी घमंड पर वो फक्र करते थे कि ये जो सब कुछ किया है ये हमारे बाजू ने किया है और खुदा ने आज उनको जलील खुदा कर रहा है उनको पस्त कर रहा है और आज जब हम चाइना के बिजनेसमैन को देखते हैं जो अलीबाबा का ओनर है वो कहता है कि आज के दौर में अपनी जान बचा लेना ही बड़ी बात है यानी उनका सारा रोब सारा तकबुर सारा उनका जाओ जलाल आज खुदा ने पस्त किया हुआ है पस्त कर दिया है कोई हल नहीं है और ये खुदा लेकर आया है ताकि इस दुनिया के घमंडियों कब्बुर में चलने वाले लोगों को वो जलील करे उनको पस्त करे ताकि वो नबुकत नजर की तरह जाने के आदमियों की मुमलिकत में खुदा ताला हकूमत करता है सल्तनत करता है ये आदमी नहीं कर रहे ये चीजें आदमियों की मेहनतों से नहीं बल्कि खुदा के फजल से वो देता है इसलिए हमें हर एक बात में शुक्रगुजारी करनी है और हमें फ्रोतनी में आज़ी में चलना है अगर हमारे दिल फ्रोतन दिल होंगे अगर हमारे दिल के अंदर आज़ी पाई जाती होगी तो फिर खुदामंद इन दुनिया की पस्तियों से निकाल कर हमें सरबुलंद करेगा और आसमानों पर भी हम सरबुलंद किए जाएंगे और उसकी हजूरी में हमें मकबूलियत हासिल होगी और हम उसकी बादशाही में उसके साथ अब तक बादशाही करेंगे ये फ्रोतों के लिए उसकी बादशाही है घमंडियों के लिए तकबर में चलने वाले लोगों के लिए नहीं है और दूसरे तवारीख में लिखा है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बन जाए और मेरे दीदार के तालिब हो जाए और अपनी बदी से अपने गुनाहों से तोबा करें तो खुदा आसमान से सुनकर उनके गुनाहों को माफ करेगा और उनके मुल्क को फिर से बहाल करेगा यानी ये जो वबा का दौर कोरोना वायरस का दौर चल रहा है इसमें जो बात है वो खाकसारी की बात है खाकसार होने की बात है फ्रोतनी की बात है हम्बलनेस की बात है आजी की बात है अगर हम अपनी जिंदगियों को फ्रोतन बना लेंगे अगर हम इन जिंदगी में आज ही लेकर आएंगे जो आज की डिवाइन डायरेक्शन है कि हमबल यो सेल्फ अपने आप को फरोतन बनाए अगर हम बना लेंगे तो फिर हमारी जिंदगी को इस दुनिया की जिंदगी को खुदा जो है वो बहाल करेगा इस दुनिया के सिस्टम को जो है वो बहाल कर देगा अगर वो हम्बल होंगे अपने गुनाहों से तोबा करें तो खुदा आसमान से सुनेगा और इस दुनिया के सिस्टम को इस दुनिया के माहौल को फिर से बहाल करेगा और इस कोरोना वायरस की वबा को अपने बेटे यीशु मसीह के नाम से वो खत्म कर देगा अगर हम चाहते हैं कि कोरोना वायरस खत्म हो जाए तो फिर गुनाहों से तोबा करनी है यीशु मसीह पर ईमान लेकर आना है जो हमारा नजात दहिंदा है और रासबाजी की जिंदगी बसर करनी है पाकिजगी में और फ्रोतन बनकर उसके कवि हाथ के नीचे जो है वो चलना है फिर खुदा जो है इस दुनिया को सर सरबुलंदी देगा सरफ्राजी देगा और इस कोरोना वायरस की वबा से वो निकालेगा और अलीफ इस्तेमानी अयूब की किताब में कहता है जब वो पस्त करेंगे तो वो कहेगा कि बुलंदी है और वो हलीम को वो हलीम आदमी को बचाएगा यानी जब ये लोग दुनिया के गुनेगार जो घुमंड में तकबुर में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं जब वो कहेंगे कि हम पस्त हो गए हैं हम आजिश हो गए हम खाकसारी में आ गए हमारी जाने पस्ती में आ गई है हमने अपने आप को छोटा बना लिया है हमने अपने आप को फ्रोतन बना लिया है तो खुदा कहेगा कि बुलंदी है यानी खुदा तब बुलंदी उनको देगा यानी खुदा पस्त आजिज को फ्रोतन को हलीम को जो है वो बुलंदी देता है और याद रखे इस पीरियड में जो हलीम है जो फरोतन लोग हैं जो फरोतनी में जिंदिया बसर करते हैं खुदांद यसुम मसीह उनको बचाएगा और बचाए रखेगा और उसने हमें बचाए रखा हुआ है अभी तक और वो हमारे साथ है और वो हमारी हिफाजत करता है क्योंकि हमारी जिंदगियां जो है वो फ्रोतनी से मामूर हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में हलीमी पाई जाती है वो हलीम को वो फ्रोतन को बचा लेगा लेकिन घुमंडी को तकबर करने वाले शख्स को वो हला करेगा जिस तरह वो आज कर रहा है और आज के डिवाइन डायरेक्शन जो है हम्बल योर सेल्फ अपने आप को आज जिस बनाए तो आज जिस बनाएंगे तो सरबुलंदी हासिल करेंगे आज जिस बनाएंगे तो खुदावंत की बादशाही में दाखिल होंगे लेकिन अगर कोई आजी इंकसारी में नहीं है वो फरोतन नहीं है तो आज का वक्त आज का दिन उसके लिए नजात का दिन है वो अभी तोबा करे अपने घुमंड से बाज आए अपने गरूर से वो बाज आए वो खुदा से डरे और इस घुमंड के गुनाह से बाज आए बदी से किनारा करे इस बदी से किनारा करे तो खुदा उसको सरफराजी देगा हमें चाहिए कि हम खुदा उनके हाथ के साया के नीचे जिस तरह पतरस ने कहा है कि फ्रोतनी से चलें चलना है अगर खुदा उनकी बादशाही को हासिल करना चाहते हैं खुदा सबको बरकत दे और मेरा ईमान है कि आज की डिवाइन डायरेक्शन हम्बल योर सेल्फ अपने आप को फ्रोतन बनाए इस डिवाइन डायरेक्शन के जरिए से आपने कसरत से बरकत पाई होगी अगली जुमेरात को हम फिर एक नई डिवाइन डायरेक्शन के साथ नए जोश के साथ नए कलाम के वलवले के साथ फिर मिलेंगे गॉड ब्लेस यू